वेलकम बैक एवरीबॉडी, सत श्री अकाल। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ के जो मोहल्ले होते हैं ना, जैसे हमारे वहाँ पे बोलते हैं ना केड़े मोहल्ले दे, तो यहाँ पे आपको मैं नेबरहुड दिखाऊंगा अमेरिका के। घर जबरदस्त, कितना प्राइस है उसकी बात करेंगे, क्या क्या फैसिलिटीज आपको वहाँ पे देखने को मिलती है। आ जाओ फिर। मेरे पीछे देख रहे हो, ये पूरा सिनेमा हॉल है। तो ये जितनी जगह है पूरा एकदम मतलब प्रॉपर कार पार्किंग एरिया बनाया है, और पीछे जो है आपको सिनेमा हॉल देखने को मिल रहा है। कभी आऊँगा तो अंदर भी लेके जाऊँगा कि यहाँ के जो मूवी थिएटर है वो कैसे दिखते हैं। तो भाई लोकेशन पे पहुंच गया हूँ। पीछे देख रहे हो लिखा हुआ है ईगल लैंडिंग। तो इस नेबरहुड का नाम है ईगल लैंडिंग। ये सिर्फ एंट्रेंस है, तो एंट्रेंस में ही मेरे को इतना जबरदस्त घर दिख गया ना यार, मेरा मन करेगा कि यहीं पे रुक के एक थोड़ी सी आपको फुटेज दिखाई जाए। तो मेरे पीछे घर देख रहे हो आप लोग, भाई इतना जबरदस्त है। और इसकी कॉस्ट $400,000 है, मतलब $400,000। इंडिया की बात करूं तो 3.2 करोड़ रुपीस। लेकिन इतना साइलेंस है इस जगह पर, लगता ही नहीं है कि भैया कोई रह रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मतलब बस ये घर बना के यहाँ पे इन्होंने छोड़ दिए और रहने वाला कोई नहीं है। लेकिन ये सभी घर आप लोग देख सकते हो ऑक्यूपाइड है, कार्स लगी हुई हैं लोगों की, और कितना साइलेंस है यार। मेरे पीछे जो घर देख रहे हो आप लोग, ये वाले घर ऐसे हैं जिनकी वॉल शेयर होती है, मतलब ऐसा सेपरेट जैसे मैंने पहले दिखाया आपको वैसे घर नहीं है, ये काफी 2-3 घर एक साथ वॉल जो है उनकी शेयर हो रही है। ऐसे घर तो नॉर्मली इंडिया में हमारे ऐसे ही रहते हैं कि जुड़े हुए घर एकदम साथ में हमारे पड़ोसी रहते हैं, सेम चीज यहां पर भी है। इनकी कॉस्ट जो पहले घर मैंने दिखाए उनके कंपैरेटिवली में कम रहती है, साथ में ना कुछ ऐसे हैं जैसे अपार्टमेंट्स पे रेंट किए जाते हैं, उस तरह से जो है लोग यहाँ पे ज्यादा अफोर्ड कर पाते हैं। अच्छा, चलते चलते ना शेवी का एक ट्रक दिख गया भाई, आओ दिखाता हूँ आपको भी, सामने देखो। तो मेरे पीछे लेक देख रहे हो, आसपास घर है और बीच में लेक बना रखे हैं। तो कुछ इस तरह से आपको जो है चीजें देखने को मिलती है जो कि नेचर से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे कहा जाता है कि एलिगेटर्स भी हो सकते हैं, इसलिए ज्यादा पास में नहीं जा रहा हूँ। प्लस यहाँ पे अगर आप लोग आते हो तो आपको कुछ भी लेक में फेंकना नहीं है, हो सकता है इसमें फिशेज हैं जो भी हो, लेकिन आपको कोई भी चीज फेंकनी नहीं है। अपने जो डॉग्स हैं वो लीश रखने, मतलब उनको वो बोलते हैं ना स्ट्रैप वगैरह डाल के रखना है। तो इस तरह से अमेरिका में आपको नेबरहुड्स देखने को मिलते हैं जिसके अंदर आपको बीच में लेक देखने को मिलेगा, यहाँ पे लोग फिशिंग भी कर सकते हैं। तो अगर आपको भी चाहिए कि आपका जो बैकयार्ड है वो लेक की तरफ फेस करे, सी फेसिंग बेसिकली, तो भाई उसके लिए पैसा भी उतने ज्यादा लगता है। इन घर की कॉस्ट $500,000 to $600,000 के बीच में जाती है। इंडियन रुपीज की बात करें तो करीब करीब आपको ये पड़ेगा 4 करोड़ से 5 करोड़ के बीच। कुछ इस तरह के मेल बॉक्स आपको हर घर के सामने देखने को मिल जाएगा, जितने भी घर हैं। भाई मेरे को तो लग ही नहीं रहा कोई रह रहा है यहाँ पे। साइलेंस देखो दोस्तों, साइलेंस। बेड लगा के सोना चाहोगे, मस्त नींद आएगी। और मेरे पीछे वाला घर तो ऐसे लग रहा है जैसे व्हाइट हाउस होता है, जबरदस्त है। मतलब मैं अभी तक ना कोई भी घर यहाँ पे रिजेक्ट नहीं कर पाया हूँ, सब पसंद आ रहे हैं। नेबरहुड्स ना आपको मोस्टली सिटी एरिया से, बेसिकली सिटी एरिया का मतलब जहां पे आपको वॉलमार्ट, मॉल्स, ग्रोसरी शॉपिंग करनी है,
मतलब जितने भी प्लाजा हो गए उनसे नेबरहुड आपको हमेशा दूर मिलेगा, ताकि यहाँ पे साइलेंस बनी रखे। इसीलिए आपको आपके पास कार होना बहुत ज़रूरी है अगर आप अमेरिका में घर लेते हो, क्योंकि घर ग्रॉसरी एरिया से, शॉपिंग एरिया से दूर बनेंगे। आप वो देख रहे हो वहाँ पे, इनको यहाँ पे गूज बोलते हैं। मेल बॉक्स है तो मस्त अपनी कार लेके आओ, जो भी आपका मेल आया है ओपन, आपके पास की होगी उसको ओपन करना है और लेके मस्त निकल जाना है। ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, ये एक तरह का पार्क है, लेकिन यहाँ पे मोस्टली आप देखना डॉग्स के लिए स्पेशल बनाया गया, मतलब यहाँ पे आप अपने डॉग्स लेके आ सकते हो और आराम से रिक्रिएशन की तरह जो है आप इसको यूज़ कर सकते हो। कुछ इस तरह के पेड़ आपको देखने को मिलेंगे, एकदम वाइट इन कलर, तो ये अलग ही टाइप के हैं, मैंने कभी इस तरह के पेड़ पहले कभी नहीं देखे थे। तो पीछे आप लोग देख सकते हो फैमिलीज जो हैं अपने यार्ड पे आराम से खेल रहे हैं फुटबॉल बास्केटबॉल जो भी है। और इनका आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, साइड वॉक्स कितने नीट एंड क्लीन है, आप लोग ज़रा ध्यान मारो एक बार, ये देखो प्रॉपर मेंटेनेंस है यार। तो अगर आप यहाँ पे टैक्स भरते हो तो भाई टैक्स की फैसिलिटी भी आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी, एकदम नीट एंड क्लीन। वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं बास्केटबॉल। बच्चों को कुछ इस तरह के स्कूटर बहुत पसंद आते हैं यहाँ पे। हाउ आर यू? गुड। अमेरिका में जब इस तरह के नेबरहुड बनाए जाते हैं तो सबसे पहले वाटर सप्लाई, गैस सप्लाई, उसके बाद रोड्स, साइडवॉक्स, फिर घर की कंस्ट्रक्शन की जाती है। हमारे इंडिया में थोड़ा सा ऑपोजिट चलता है, पहले पूरा घर बन जाएगा, बाद में बोलते हैं अरे यार रोड तो है नहीं, अब रोड बनाओ। तो ये बात सही है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हमारे इंडिया और अमेरिका के घरों में एक डिफरेंस पता क्या है, हमारे वहाँ पर गेट होते हैं, इनके यहाँ पे गेट वगैरह ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। आप लोग देख सकते हो एकदम ओपन मिलेगा आपको सब कुछ, सिर्फ दरवाजा होगा घर के अंदर जाने के लिए। तो ये था अमेरिका का नेबरहुड, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और आज की वीडियो में मेरा जो साथ दिया ना, वो दिया है मेरी हायाबुसा ने, देख सकते हो आप लोग, तो इसके लिए एक लाइक जरूर करना यार। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, वीडियो को शेयर जरूर करना यार। मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन चको फटे।